वेरी गुड इवनिंग गाइस, मैं राजेश आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हम आज का हिंदू ट्विटर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, और अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट, कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस व्हाइल अदर वेक अप एंड वर्क हार्ड। सपने देखना भी जरूरी है लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की पहली वोकैब है डिग, खुदाई का काम करना, एक किसी चीज को खोदना। पुश और पॉक शार्पली। श्रिंक, सुकुड़न यानी कम। बिकम और मेक स्मॉलर इन साइज और अमाउंट। ब्रीदर, मोहलत मतलब टाइम देना। ए ब्रीफ, पॉज फॉर रेस्ट। रैंप अप बढ़ाना। रैंप अप इज अ टर्म यूज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस टू डिस्क्राइब एन इंक्रीज इन फर्म्स प्रोडक्शन अहेड ऑफ एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन प्रोडक्ट डिमांड। डेट्रीमेंटल नुकसान दे, टेंडिंग टू कॉज हार्म, जो हमें नुकसान देने वाली है। वेले ताक में रहना। स्टॉप और इंटरप्ट समवन एंड डिटेन देम कन्वर्सेशन और ट्रबल देम इन सम अदर वे। कि सामने वाला ताक में रहता था कि हम क्या बोलें और कब वो चीज वो हमारे सामने बोले, या फिर वो ताक में रहते हैं कब हम उस रास्ते से जाएं और कब वो हमें लूट ले जाएं। नॉट टू डिस्टेंट पास्ट, बहुत दूर का अतीत नहीं। ए टाइम नॉट वेरी लॉन्ग एगो इन द पास्ट, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, रिसेंट की है। कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, दबाव, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर, यानी कम करने का प्रोसेस। डेंट मतलब निशान। ए रिडक्शन इन अमाउंट और साइज, किसी चीज को कम करना। कर्ब नियंत्रण करना। ए चेक और रेस्ट्रेंट ऑन समथिंग। डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन, यानी जो मन करे वो। अवेलेबल फॉर यूज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूजर, यानी जो भी यूजर की मर्जी है उसके ऊपर है, अगर उसका मन कर रहा है तो काम करेगा, नहीं मन करता जैसे सुनने वालों का तो नहीं सुनेंगे। अफ्लोट बहता हुआ सा था मैं। आउट ऑफ डेप्ट और डिफिकल्टी, यानी बहुत बड़े गंभीर संकट में है, परेशानी में है। प्लग खामियों को दूर करना, जब तो तुम चले आओगे। ब्लॉक और फिल इन ए हॉल और कैविटी। कंजर टोना करना। कॉज ए स्प्रिट और गॉस टू अपियर बाय मीन्स ऑफ ए मैजिक रिचुअल, यानी कुछ जादू ही करना। अनइंटेंडेड अनायासी, नॉट प्लान और मीन्ड, जैसे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं उससे मिलने जाऊंगा लेकिन मैं फिर भी चला गया, तो अनप्लान था ना सब चीज। कोनुनंड्रम पहेली, ए कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। हैवोक तबाही, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, व्यापक स्तर पर तबाही का मचना। Mandarin, rudy pirre, a powerful officer or senior bureaucrat, especially one perceived as reactionary and secretive. Simply आप ये समझ सकते हो जो top officers होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, और जो बहुत सारी चीजों को वो समझते हैं और वो secret mission में भी शामिल होते हैं और उनके reactions भी काफी मायने रखते हैं। तो ये थी आज की सारी vocab। तो move करते हैं आज के article के ऊपर, जानते हैं आज का article क्या हमें नई बात सिखाने वाला है। डिगिंग डीपर, अब जरूरत है हमें बहुत गहरी सोच की और उसको और ज्यादा खुदाई करके बाहर निकालने की। ऐसा नहीं मिट्टी खोद के निकालेंगे हम, ना ना, सोच और विचार, उन सब बारे में हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। विद जीएसटी कलेक्शन सेट टू श्रिंक, जो जीएसटी का कलेक्शन है यानी जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो अब धीरे धीरे क्या कम हो रहा है, उसमें कमी आई है। द सेंटर मस्ट फाइंड न्यू वेज टू कंपनसेट स्टेट्स, और अब जरूरत है केंद्र को नए रास्ते तलाशने की जिससे कि वो राज्यों को मुआवजे के तौर पे कंपनसेट कर सके। फोर मंथ्स इनटू फाइनेंशियल ईयर 2021, चार महीने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आ गए हैं, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। द सेंटर हैज फाइनली मैनेज टू पे स्टेट द कंपनसेशन ड्यू टू देम फॉर द प्रीवियस ईयर अंडर द जीएसटी डिजाइन, और सेंटर ने फाइनली ये सब चीजें मैनेज करी
और पे करने की सोची और पे किया। स्टेट्स को वो कंपनसेशन जो उनका ड्यू था, जो उनका बनता था पिछले साल का जीएसटी सिस्टम के हिसाब से। रिजाइन मतलब होता है सिस्टम। दिस में कम एज ए ब्रीथर फॉर स्टेट सीकिंग टू फाइनेंस एफर्ट टू रैंप अप पब्लिक हेल्थ केयर कैपेसिटी एंड कंटेन COVID-19's डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन वल्नरेबल सेक्शन। इससे क्या होगा, राज्यों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, जिससे वो अपने जो फाइनेंस है यानी जो पैसे की उनके पास जो तंगी चल रही थी उनको पैसे मिल पाएंगे और वो अपने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ा पाएंगे, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे और उससे होने वाले परिणाम ये होंगे, उससे जो COVID-19 की जो महामारी चल रही है, फैल रही है, उसके जो दुष्परिणाम है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है उस पैसे के द्वारा। लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,65,302 करोड़, 1,65,302 करोड़ रुपए की लास्ट इंस्टॉलमेंट गई है। टू रिफ्रेश स्टेट्स वर गारंटेड कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द न्यू इंडेक्स टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस इन July 2017। राज्यों को गारंटी दी गई थी कि आपको मुआवजा मिलेगा केंद्र के द्वारा फॉर द फर्स्ट 5 years, पहले 5 सालों में न्यू जीएसटी का ये जो सिस्टम है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर का जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2017 में, जीएसटी जिसका नाम दिया गया था कि बहुत सारे जो टैक्सेस हमारे इससे पहले लगते थे अब सबको मिला के एक टैक्स कर दिया गया था और कहा गया था कि वन टैक्स वन नेशन। फॉर द रेवेन्यू दे लॉस्ट आफ्टर द शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर सिस्टम वेयर स्टेट्स हैड द पावर टू लेवी सम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये कंपनसेशन इस कारण से दिया जाएगा, जितना भी उनको रेवेन्यू का जो लॉस होगा, पहले जो वैट वगैरह लगते थे और भी बहुत सारे जो टैक्सेस लगते थे इनडायरेक्ट सबको मिला गया, जो जीएसटी कर दिया गया तो उससे हो सकता था कि स्टेट्स को लॉस हो, तो कहा गया था कि जितना भी आपको रेवेन्यू का जो लॉस होने वाला आप शिफ्ट करोगे वैट से जीएसटी में और जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से जीएसटी में, तो उसको जितने भी लॉस होंगे आपको पहले के 5 सालों में उसको सेंटर आपको कंपनसेट करेगा। दिस कंपनसेशन अज्यूम ए 14% एनुअल ग्रोथ रेट इन ए स्टेट्स रेवेन्यू। और इस कंपनसेशन को ऐसे मान के चला गया था कि 14% एनुअल ग्रोथ रेट होगी इससे स्टेट्स के राज्यों के जो रेवेन्यू है, जो उनकी आय है उसमें, विद 2015-16 एज द बेस ईयर। और जो सारी कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर लिया गया था 2015-16 को मान के चला जा रहा है। एंड वाज टू बी पेड आउट फ्रॉम ए कंपनसेशन सेस लेविड ऑन टॉप ऑफ द स्पेसिफाइड जीएसटी रेट ऑन लग्जरी एंड सीन गुड्स। और ये सभी चीजें पे की जाएंगी जो कंपनसेशन है, ये जो सेस लगता है जो जितने भी लग्जरी और जो महंगे जो वस्तुएं हम परचेस करते हैं जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाड़ी वगैरह, और जितने भी लग्जरी यानी जो जरूरत की नहीं है लेकिन वो शो की चीजें हैं और जो हमें उससे ज्यादा ही कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं, क्योंकि आम नागरिक कहाँ ऑडी गाड़ी के बारे में सोचेगा, कहाँ मर्सिडीज में जाएगा बेचारा, वो तो दो पहिए के वाहन पे भी चल लेगा बेचारा, पैदल ही चल ले। विद ग्रोथ डाउन ओवर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इवन बिफोर द पेंडेमिक द इकोनॉमी, और ये सब जो ग्रोथ है हमारी यानी जो विकास है वो काफी डाउन आया पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 में भी, इस महामारी के दौर से पहले भी, और ये महामारी ने तो जैसे ताक में बैठी थी कि इकोनॉमी को और ज्यादा डुबाने के लिए। द अजम्पशंस ऑफ द नॉट टू डिस्टेंट पास्ट आर बिगनिंग टू हर्ट, और जो हमारी सोच थी कि हमें नुकसान पहुंचेगा वो कोई ज्यादा पुरानी नहीं थी, तो वैसा ही अभी नुकसान पहुंच रहा है हमें। कंपनसेशन सेस अंडर जीएसटी लास्ट ईयर वाज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़। जो कंपनसेशन सेस जो जीएसटी के लास्ट ईयर था वो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए था, लेस देन द पेमेंट ड्यू टू स्टेट, और जो कि कम था जो पेमेंट हमें देनी थी राज्यों को उससे। दिस गैप इज लार्जली टू एंगेज फर्दर दिस ईयर, और यह जो गैप था ये इस साल और बढ़ गया, विद एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन डेंटिंग जीएसटी कलेक्शन एज वेल। जो कि इकोनॉमी के जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं है, हर कोई जानता है कि क्या हालात है आजकल हमारी इकोनॉमी के और अर्थव्यवस्था के, तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ा हमारे जीएसटी कलेक्शन के ऊपर भी। कंपनसेशन सेस इनफ्लोस कुड श्रिंक इवन मोर विद पीपल कर्बिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स इन ऑर्डर टू कंजर्व कैपिटल और स्टे अफ्लोट इन द पेंडेमिक हिट इकोनॉमी। कहा यह जा रहा है जो कंपनसेशन सेस का जो इनफ्लो यानी जो सरकार के पास आता था उसमें भी अब कमी आई है, क्योंकि जो भी लोग ये खर्चा करते थे अपने मौज के लिए मनमानी चीजों के ऊपर, जो लग्जरी गुड्स हैं जिनके द्वारा उनको आराम मिलता था उसके ऊपर, उन्होंने अपने जो कैपिटल जो पैसे अब उन्होंने भी सोचा बचा के थोड़ा रखने में ही फायदा है, क्योंकि ये महामारी है पता नहीं कब किसको हिट कर जाए, तो इसलिए उन्होंने भी अपने जो एक्सपेंस है उसके ऊपर कंट्रोल किया, तो उससे कंपनसेशन का जो सरकार के पास पैसा जो जाना था वो भी कम जाएगा। ए लिटिल ओवर हाफ ऑफ द शॉर्टफॉल इन द लास्ट ईयर सेस
लगभग आधा शॉर्टफॉल है पिछले साल की तुलना में. किटी हैज बीन प्लग बाय टैपिंग सेस बैलेंसेस फ्रॉम द फर्स्ट टू ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. और किटी मतलब होता है जैसे कि किटी पार्टी में होते हैं ना, कुछ कुछ जैसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जैसे हर कोई करता है उसमें, उसके लिए यूज किया जाता है किटी. जैसे कि हर किसी ने 10-10, 20-20 रुपए कलेक्ट करके और एक पार्टी करते हैं तो हम उसे किटी कह सकते हैं, किटी पार्टी. द रेस्ट हैज बीन कंजर्व्ड अप फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. और जो बाकी था वो तो एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई जादू हो गया हो कंसोलिडेटेड फंड का, बाय डेबिटिंग. और उसमें से डेबिट करके इंटीग्रेटेड जीएसटी फंड्स दैट वर लाइंग विद द सेंटर. और जो कि जो आईजीएसटी का जो पोर्शन होता है वो सेंटर के पास जाता है पूरा ही, उसके बाद स्टेट्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कौन से स्टेट से हमें कितना होना है. आईजीएसटी इज लेविड इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सम ऑफ द लेवी कलेक्टेड इन 1718. और जो आईजीएसटी है वो लेवी यानी कि लगता है जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी सामान की या किसी सेवाओं का जब आदान प्रदान या फिर खरीद फरोख्त किया जाता है उस समय. और उसमें से कुछ कलेक्ट किया गया था जैसे 2017 के जो 18 पहला साल था उस टाइम पे, व्हेन सिस्टम वर स्टिल एड हॉक. और उस टाइम पे जो सिस्टम था वो तो एकदम ही था, मतलब ठीक प्रकार से वो तैयार नहीं हुआ था. हैड नॉट येट बीन एलोकेटेड टू स्टेट्स. और उस वो साल का अभी तक एलोकेट ही नहीं किया जा चुका है स्टेट्स को, राज्यों को अभी तक वो ट्रांसफर नहीं कर पाया वो फंड. Having thus drawn on these unintended contingent reserves, और यह सभी जो unintended यानी कि जो नहीं सोचा था unplanned जो है, क्योंकि हम किसी को भी ऐसा अनुमान नहीं था कि कोरोना आएगा. Paying compensation to state this year is going to be even more daunting for the center, क्योंकि इस साल जो compensation जो देना है राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है केंद्र के लिए भी, क्योंकि केंद्र के बीच इनकम के जो सोर्स हैं, जो टैक्सेस कलेक्शंस हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं. एट द लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन जून, और जो पिछले महीने यानी जो जून में जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड सेड, उन्होंने कहा काउंसिल वुड कन्वे अगेन इन जुलाई जस्ट टू डिस्कस द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू डील विद द पर्टिकुलर कॉनड्रम. कि हम जुलाई में फिर से कोशिश करेंगे मीटिंग को रखने की, जिससे ये जो पर्टिकुलर जो पहेली है, जो क्वेश्चंस है कि इनको हम कैसे दूसरे तरीकों से हम इनको सुलझा सकते हैं, इनके ऊपर चर्चा करने के लिए. द चीफ सॉल्यूशन ऑफिसर्स हैव बीन फ्लैशिंग आउट इट फॉर द सेंटर टू राइज स्पेशल लोन अगेंस्ट फ्यूचर जीएसटी सेस. और जो चीफ सॉल्यूशन ऑफिसर हैं यानी जो इनके जो सॉल्यूशन यानी जो उत्तर देते हैं, जो सलाह मशवरा करते हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि सेंटर को चाहिए कि रेस करना स्पेशल लोन अगेंस्ट फ्यूचर जो फ्यूचर जीएसटी सेस है अक्रूवल जो होने वाला, इन ऑर्डर टू हेल्प मीट इट्स कंपनसेशन प्रॉमिस टू स्टेट्स. कि वो उसके ऊपर यह लोन लेके, और लेकिन जो स्टेट्स को जो देना है वो तो कम से कम दे, जिससे क्या राज्यों को थोड़ा बहुत फायदा हो जाए. देर इज नो साइन ऑफ दैट मीटिंग बींग शेड्यूल्ड येट. और अभी तक ऐसे कोई चर्चा नहीं है, ऐसे कोई संकेत नहीं है कि वो शेड्यूल अभी तक जो मीटिंग है वो शेड्यूल हुई है, यानी कि जुलाई क्योंकि खत्म होने को आ रहा है, आज 29 हो चुकी है, 30 और 31, और अभी तक कोई पता नहीं कि वो मीटिंग कब होने वाली है. तो मीटिंग तो लगता नहीं कि होगी वो. That the pandemic economic havoc has thrown up multiple challenges for North Block Mandarians is understandable. और ये जो महामारी है इससे ना केवल एक आम इंसान बल्कि जो सत्ता में बैठी सरकार है या विपक्ष में बैठा अपना विपक्ष हो, तो दोनों ही इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं. तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है that the pandemic economic havoc, और जो ये महामारी की जो तबाही है उसने क्या चैलेंजेस यानी कि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़ा कर दिया है नॉर्थ ब्लॉक के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, और उनको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी और उनकी भी चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि वो भी किस हद तक चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और किस हद तक वो नहीं कर सकते. बट विद थर्ड ऑफ द फिस्कल ईयर ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन जो तीसरा साल है वो लगभग खत्म हो गया. इट वुड हेल्प द सेंटर, क्या इससे केंद्र को सहायता मिली, एंड द स्टेट्स और राज्यों को to battle the virus more effectively if they had more certainty and clarity on the cash at their disposal. अगर कहा जा रहा है कि इससे क्या वायरस से लड़ने में उनको फायदा हो रहा है, हो सकता है more effectively अगर वो सभी इसको certainty और clarity के साथ में
ये डिसाइड कर लें और वो डिस्पोज ऑफ कर लें कि किसको कितना पैसा और कब कब जिस टाइम पे उनको देना है, तो वो उनको अगर टाइम से टाइम ट्रांसफर वगैरह वैसे होते रहें तो। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा, काफी कुछ नया जाना होगा और काफी कुछ लोगों को नहीं पता होगा जीएसटी क्या होता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी आप कोई भी सामान खरीदते हो या फिर सेवाएं देते हो तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स ही वो जीएसटी है। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें हमारे चैनल के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग, किसी कंटेंट के रिगार्डिंग जो आप हमें देना चाहते हैं कि जो आप हमसे बताना चाहते हैं कि हम इसमें इस प्रकार से और ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें हम सुधार कर सकते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।